क्या होगा पढ़ते बेटा? यही भी पढ़ते हैं बराबर क्लास लेते हो सर? एक्चुअली कहाँ से पढ़ते हैं? कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री कितने घंटे क्लास चलती है? सर 40 मिनट की सर। तो रोजाना हर सब्जेक्ट को पढ़ाते नहीं होंगे क्योंकि एक एक विषय में तीन तीन पेपर होते हैं। जी सर। एक एक पेपर दो दो तीन तीन दिन का अंतराल भी चलता हूँ। सर तीनों सब्जेक्ट चलते हैं और जैसे हफ्ते में प्रैक्टिकल भी होता है डे वाइज। जी सर, यहाँ की आओ। यहाँ की। सर की बात है। नोट्स और डेकोरेशन आपने बहुत अच्छे से किया होगा। सर एक्चुअली थोड़ा दिखने क्या रहूँगा? से लग रहा है कि पढ़ाई कभी डेकोरेशन बताओ। कंप्यूटर को परिभाषित कीजिए। सर कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस। ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है सर, जो हमारे डाटा को लेता है और डाटा लेने के बाद हमारी इच्छा अनुसार दी गई सूचनाओं का उत्तर देता है। तो कंप्यूटर में एक्यूरेसी होता है, जानते क्या होता है एक्यूरेसी? कंप्यूटर की शुद्धता ये हमारे लिए सही होने वाली घटनाओं को सूचित करता है और एकदम शुद्ध भाषाओं में मतलब से हार्ड लैंग्वेज को। रैम जानते हो बेटा? रैंडम एक्सेस। रोम रीड ओनली मोड। तो बता एचडी रैम। एचडी रैम एसबी सर सॉलिड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सर। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं ना तो परिवर्तित कर सकते हैं, और हार्डवेयर वो होता है जिसको हम टच भी कर सकते हैं और परिवर्तित भी कर सकते हैं। बूटिंग जानते हैं? जी सर। बूटिंग वो होता है जो हमारे सिस्टम को ऑन करने और डिस्प्ले आने तक का जो प्रोसेस होता है उसको बूटिंग कहते हैं। एंड बूटिंग टू टाइप्स का होता है, ओल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। ओल्ड बूटिंग होता है वो जो हम सिस्टम को फ्रेश ऑन करते हैं, और वार्म बूटिंग वो होता है जो हम रीफ्रेश ऑन करते हैं। चलो तीन चार इनपुट डिवाइसों के नाम। सर इनपुट डिवाइस
कीबोर्ड हो गया और इसको स्पीकर कीबोर्ड और जा सकते हैं।